तो देखो, हम लोग मॉर्निंग में आज निकले मुंबई से अहमदाबाद के लिए। वहाँ का काम ख़त्म किया, दो काम थे, दोनों काम ख़त्म किए, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न मुंबई। मतलब एक दिन में मुंबई अहमदाबाद मुंबई। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? मास्ट। फाइनली गुरुजी आ गए यहाँ पे, और इसकी खुशी ये मास्ट निकालने के बाद आपको समझ में आएगी। जहाँ पे गुरुजी थे तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हम लोग अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने बोला था गुरुजी को मुंबई का ट्रैफिक आ रहा है, राइट यहाँ से राइट और वहाँ से ऊपर लेना। गुरुजी को बोला था ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट होगा। लेट आने का दुख नहीं है, गुरुजी आए उसकी खुशी ज्यादा है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ले लिया ना सब? आपका बैग लिया? मेरा ले लिया। डन ना, लॉक कर दो। हाँ देखो मेरे फाइव मिनट। गुरुजी क्या आप रेडी है ट्रैवल करने के लिए? मैं अपना वो वाला डायलॉग, अपना वो वाला डायलॉग, कड़क कड़क एकदम कड़क। ये डायलॉग अगर आपको जानना है कि ये डायलॉग हम लोग ने अभी क्यों बोला, तो आपको हमारी एक कुर्क की सीरीज है जो हमने कार से की थी, मैंने और गुरुजी ने, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। तो आज आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इतने दिनों के बाद, इसलिए मैं जानबूझ के बार बार बोल रहा हूँ, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, महाराष्ट्र के बाहर जाने वाले हैं। अभी हमें ट्रैवल करना है यहाँ से अहमदाबाद तक, और जो 500 किलोमीटर की जर्नी है, इससे पहले आपके भाई ने कभी भी फोर व्हीलर से नहीं की है। जितनी बार मैं गया हूँ अपनी बाइक से ही गया हूँ, तो आज फोर व्हीलर का लुफ्त उठाएंगे, थोड़ा कार का लुफ्त उठाएंगे, थोड़े मज़े करेंगे। देखो कैसे होता है, जितनी भी आप जर्नी करोगे, जितना भी आप ट्रैवल करोगे, उसमें ज़रूरी होता है कि आपके साथ पार्टनर कौन है। और ये चीज, मतलब आपको मैं इस चीज की अहमियत नहीं बता सकता। गणपति अप्पा मोरिया। आज ऐसा लग रहा है ना ट्रैवल कर रहे एकदम। हमारे आज की जर्नी चालू करके हुए हमें कुछ 20 मिनट, और 20 मिनट में हम लोग पहला ट्रैफिक फेस कर रहे हैं। मेरी लद्दाख की यादें दादा की। अभी लेना है थोड़ी देर के बाद। आज हमारे ब्रेकफास्ट में हमें मिल रहा है थाली पीट और पटाटा वड़ा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बोला था कि लद्दाख वाली मेमोरी साझा करते हैं, तो नॉर्मली जब भी मुंबई से हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, तो अगर हमें कुछ ईरानी टाइप खाना है तो हम लोग चारोटी के यहाँ पर रुकते हैं, और अगर हमें कुछ देसी टाइप खाना है जैसे थाली पीट पटाटा वड़ा, तो हम लोग दत्त स्नैक के यहाँ पर रुकते हैं। और यही मेमोरी अपनी लद्दाख में भी थी, इससे पहले भी जितनी राइड की है उसमें भी थी। यहाँ पर शाम अंकल के साथ में पहली बार रुका हूँ। मेमोरी कलेक्ट करना हमारा काम है। कुर्क की राइड और अपना मालवण का राइड, ये जो यादें जो है जुड़ी हुई रहती है, ये यादें ही अपने को आगे ले जाती है। ये देखो हमें यहाँ पे कौन मिला, ओए छोटे। उसे एक छोटा बिस्किट का पैकेट देना। जब मैं और गुरुजी ट्रैवल करते हैं, तो नॉर्मली हम लोगों में एक चीज को लेके थोड़ी बहस होती है, और वो बहस होती है गाड़ी कौन चलाएगा। अभी यहाँ तक मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मुझे चलानी है, लेकिन शाम अंकल बोल रहे हैं मेरे को भी गाड़ी चलानी है, और यही जज्बा होना चाहिए ट्रैवलर लोगों में। और यही टॉपिक के ऊपर हम लोग 5 मिनट बात कर रहे हैं, कौन कितना चलाएगा, मतलब हर एक को गाड़ी चलानी है, ड्राइव करना हमारा पैशन है। अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मंथ ठंडी वाला मंथ है, लेकिन आप अगर बाहर घूम रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा ये ठंडी वाला मंथ है, बिकॉज हमें अभी लग रहा है समर चालू है, हेवी समर, जैसे गाड़ी में अंदर आए क्या करें। आपको नया वाला फीचर दिखाता हूँ, अगर हम बाइक पे देखते हैं मैप, तो बाइक में हमें पता नहीं चलता कि हमारे आगे क्या है, मतलब ब्रिज पे जाना है, नीचे से जाना है, वो ठीक से पता नहीं चलता। मैप में सुनने में आता है, लेकिन मैप में ठीक से पता नहीं चलता। यहाँ पे वो एडवांस है, तो वो देखो टर्न भी बता देता है कि आपको वडोदरा की तरफ जाना है, वडोदरा 141 किलोमीटर है,
और ये सूरत 18 किलोमीटर। देखो ये फीचर पुराना भी हो सकता है, आपके भाई ने पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा ये चीज़ शेयर होनी चाहिए। क्या बोलते हो, जो नया दिख रहा है वो शेयर करना जरूरी, शेयर करना ज़रूरी है। आपके भाई ने मस्त एक नींद कंप्लीट की है, अच्छा लग रहा है। अभी बहुत दिनों के बाद मुझे गुरुजी ने मॉर्निंग में उठाया, आपके भाई की आदत छूट गई है। और जो चीज़ मेरे से गलत हुई है ना वो गलत है, मतलब मेरी पहले एक टाइम पे आदत थी कि मैं जल्दी उठ के सारी चीज़ें मैनेज करता था, लेकिन अभी लेट होने लगा है, नींद ही आजकल लेट आने लगी है। सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं, मतलब गुरुजी का हमेशा का एक मंत्र है मेरे लिए कि उगता सूरज देखने की आदत डाल, तेरी ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी। तो वो आदत मुझे अभी अपने ज़िंदगी में डालनी है। गाना सुनते सुनते आगे बढ़ रहे, हमें थोड़ा घुसने देते वो लाइन, थोड़ा लाइन कट करने देते तो क्या होता। लोडेड गाड़ी है, लोडेड। गैप देखो, दोनों में गैप देखो। मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हम लोग बाइक पे इतना एंजॉय नहीं करते, बिकॉज बाइक पे हमारा कुछ अलग एम रहता है और कंसंट्रेशन अलग जगह पे रहता है। ये अभी मैं मज़े ले रहा हूँ, रोड के मज़े ले रहा हूँ, मतलब इसके मज़े अलग है और बाइक पे होते हैं वो मज़े अलग है। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अहमदाबाद में हमारे दो काम थे, दो काम में से एक काम ख़त्म हुआ, दूसरा काम अभी बाकी है। तो दूसरा काम जिस जगह पे है उस जगह से नज़दीक हम लोग होटल देख रहे हैं। अभी हम थे अहमदाबाद रिंग रोड पे। अहमदाबाद घुमा हूँ लेकिन इतना भी कभी नहीं घुमा जितना मैं आज घुमा हूँ। और मुझे हाँ थोड़ा शूट आज मुझे थोड़ा कम शूट करने मिला, उसका रीज़न वही था कि हमें जो अपने काम है वो ख़त्म करने थे। लेकिन अभी टाइम हुआ है एक चाय का, यहाँ पे बन रही अपनी चाय। एक चीज़ आज श्याम अंकल ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, जहाँ पे मैंने श्याम अंकल को कार चलाने दी उसके बाद अभी तक मुझे कार मिली नहीं। और क्या बोलूँ, जो मज़े कर रहे थे कार चलाते हुए, मतलब ऐसे है ना ज़िंदगी जी रहे थे, मौज कर रहे थे। आज के शाम की चाय हमारे इस रेस्टोरेंट में एकदम जान चौंक के बनाओ, कड़क होना चाहिए, कड़क कड़क। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है किशन भाई। किशन भाई, किशन भाई जैसा बोला था वैसी चाय बनाई, इसलिए नाम पूछा। तभी ट्रैवल करो, टपरी वाली चाय जब तक पेट में नहीं जाती तब तक ऐसे नहीं लगता कि वो ट्रैवल पूरा हुआ। अभी मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ। टाइम हुआ है 10:22 और जो हमारा अहमदाबाद का जो काम था वो काम ख़त्म हुआ, लेकिन हमें कल अर्जेंट मुंबई में भी काम है तो हमें कैसे भी करके मुंबई के लिए निकलना था। तो देखो हम लोग मॉर्निंग में आज निकले मुंबई से अहमदाबाद के लिए, वहाँ का काम ख़त्म किया, दो काम थे, दोनों काम ख़त्म किए। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न मुंबई, मतलब एक दिन में मुंबई अहमदाबाद मुंबई। ये इस पर एक चीज़ है, नोटिस किया गया इस पर था वो वाले पे था, ये दे दो प्राइस, एक नेपाल का है 90 रुपीज़। नेपाल अपने से महंगा है ना, तो नेपाल में 90 रुपीज़ है उसका प्राइस क्यों डाला? ये नेपाल में भी बेचते रहेंगे शायद। अहमदाबाद मुझे भी घूमना था, मुझे आपको अहमदाबाद अलग तरीके से दिखाना था। ये बार नहीं हुआ, अगली बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के अहमदाबाद जाएंगे। कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ या फिर गुजरात के और कोई एरिया से, मतलब जो हमारे रूट में आता है वहाँ से बिलोंग करते हैं, उन लोग को भी मुझे मिलने नहीं मिला। बिकॉज मैं रिटर्न जर्नी में मिलने वाला था, लेकिन रिटर्न जर्नी हमारी रात को स्टार्ट हुई और अर्ली मॉर्निंग हम लोग मुंबई पहुँच गए, बिकॉज मुंबई का काम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये व्लॉग में चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, इसलिए व्लॉग कुछ शूट नहीं कर पाया। तो आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर व्लॉग आपने यहाँ तक देखा है तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।
है।